प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी ई सब लाग रहे अविनाशी। अब देखो सिद्ध साधक सन्यासी यह सब जो हैं, जब सृष्टि की रचना हुई सब लोग धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यह आदमी वह कह रहा है, वह व्यक्ति बोल रहा है जो निपड़ है। प्रत्येक व्यक्ति का जब लड़का होता है सोचता है कि अपने लड़के को हम पढ़ावें लिखावें, है ना मास्टर साहब, और लड़के को हम डॉक्टर इंजीनियर बनावें, कुछ अफसर बनावें। और इधर के लोगों में जब लड़के को नौकरी लगती है तो पूछते हैं बेटा कितना महीना मिलता है, कितना मिलता है, अरे ऊपर झापर कुछ बता। अरे ऊपर झापर क्या भाई, माने उस लड़के को चोरी का ट्रेनिंग देने लगा बाप। किसी बाप को तब तक से संतोष नहीं हो जाता है जब तक से उसका लड़का पकेटमार ना हो जाए। किसी का लड़का साधु हो जाए कितना दुख होगा, है ना जी। देखो एक लड़का सरदार का साधु बना है, सामने खड़ा, कितना दुख है। चलो इसके बाप को तो नहीं है लेकिन इसके माँ को तो दुख है। हाँ, जबकि माँ बाप इसके दोनों टीचर ही हैं, लेक्चरर ही हैं केमिस्ट्री के। तो खैर यह दुख होता है। कबीर साहब के भी पिताजी नूर अली हक पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते थे, ये चले आते थे, नहीं पढ़ते थे। 10 साल के हो गए, 5 साल से जब नहीं पढ़े तो मौलाना जी को ही बुला लिए कि पढ़ो। कहा कि मौलाना जी तू अपन काम कर, हमको अपना काम करने दे। तू क्या इस चक्कर में पढ़ा है। कहा कि पढ़ेगा नहीं। कहा कि हम तो सारे पढ़ाई पढ़ लिए, अब कुछ पढ़ाई बाकी रहे तब तो। कहते कि नहीं पढ़ो अल्ली बैठे। कहा कि तुम पढ़ो श्री राम जय राम जय जय राम कर। कहा कि अरे यार कहाँ से राम नाम लाया इस घर में। कबीर साहब की माई भी कह रही है कि जा दिन से राम नाम लाए घर में, आफत पड़ी, भोजन पर भी आफत पड़ गया। और मानता नहीं है, गंगा से जल लाता है और गाय का गोबर लेकर घर लिपवाता है कि पिताजी तंग आ गए। इनके चाचा मसूद अली भी तंग आ गए कि लड़का पढ़ेगा नहीं, ये राम नाम कह रहा है रात दिन। तब ये लोग कहे कि चलो हमारा अपना काम ही सीखो, अपना सिलाई। 10 वर्ष के अवस्था में सिलाई बुलाई कढ़ाई लोग सिखाने लगे। जब ये सिखाने लगे तो यह जो है, जब ये लोग जाते थे बाजार बेचने के लिए, महतारी बाप चादर बिनेगा साड़ी बिनेगा तो बाजार में बेचने जाएगा ना। तब तक से घर में जो चावल दाल आटा रहता था और क्या रहेगा, पैसा तो है नहीं। चावल दाल आटा कोई साधु बाबा आए देखो बैठे हैं, बाबा लोग को दान दे देते थे। अरे बाबा ले जाओ, बना नहीं है तू बना बना खा लेना। वे लोग आते थे तो घर में कुछ नहीं मिलता था। पूछते थे कि अरे कबीर की हो क्या गया, साधु लोग को दे दिया। ताकि साधु लोग को पेट दिया तो भोजन कौन देगा, आखिर वो लोग भी तो खाएंगे। माँ बाप कहता उनकी चिंता तुम ही को है। तो कहा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप चिंता कर नहीं रहे हैं तो मैं नहीं करूँ, अब क्या खाएगा। कहा कि चलो परमात्मा जो खिलाएगा खा लेगा, नहीं देगा पानी पी के सो जाएगा। इन परिस्थितियों में देखो, यदि तुम भजन करने के लिए कहते हो कि यह हो जाएगा, हमारे से कहते हैं कि हमको गुरुजी लड़का हो जाएगा तब करेंगे, अब कहते लड़का पढ़ जाए तब ना गुरुजी, लड़का पढ़ गया तो गुरु जी इम्प्लायड हो जाए तब ना करेंगे, इम्प्लायड हो गया तो गुरु जी का नाती हो जाए तब ना करेंगे। इतना तारतम्य बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाता है कि भजन करने का कभी आता नहीं है, गुरु जी क्या क्या करें। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। इस तरह से हमारा तारतम्य बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। यही है माया। माया कहते हैं कि प्रगटे सुनर मुनि सब झारी, ते खोज परे सब हारी। कहते हैं कि अब देखो, प्रगटे जन्म लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि सृष्टि जब प्रारंभ हो रही है तो प्रगट ना होगा। अगर तुम यह कहते हैं साधु सन्यासी भी सब प्रकट हुए, और सब उस अविनाशी परमपिता परमात्मा को खोजने के लिए लग गए। और आप लोग भी जन्म लिया प्रकट हुआ, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को खोजने में कोई निकला नहीं। अभी तुरंत कहेगा गुरु जी हम लोग जाने का समय हो गया, आप जाए ना। हम कहेंगे नवरात्र शुरू हो गया,
आपको तो कोई काम नहीं है, बड़ा काम है हमको गुरु जी, सब काम जुड़ाने लगेगा। कितना काम का ठीका लेकर आया है? कहते हैं कि प्रगटे सुर नर मुनि ते खोजे सब खोज परे हारी, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कहते हैं कि शिव प्रगटे शिव जीव शिव, मैं बताया था जब वह परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार है, माया से निरृप्त है, वह ब्रह्म है। जब वह सृष्टि करना चाहता है, माया से संबंध करता है, वह ईश्वर है। और जब वह माया से भी संबंध हो गया और काम क्रोध मद मोह लोभ और ममता से जब संबंध हो गया तो जीव हो गया। अब इसलिए जीव कहा गया। अब समझ गया, वह तो है पूर्ण ब्रह्म। शंकराचार्य भी कहते हैं ब्रह्म और जीव में कुछ अंतर नहीं है, अंतर यही है तुम बैठा है यहां पर लेकिन घड़ी देख रहा है इतना बजे ट्रेन है। अब एक दिन देर करेंगे तो पत्नी जाएंगे तो कान पर चटमा तमाचा मारेगी, कहां रह गया इतना दिन, बाबा तुमको खाना देंगे? अब उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। फिर पॉकेट में हाथ डाल के देखिए कुछ लाया भी है कि सब लुटाया बाबा के यहां। यह जो है यही जीव जो है बंधन में पड़ गया है और हम सब बंधन में पड़ गए हैं। हम आप लोगों के लिए जो साधना करा रहे हैं, प्रवचन दिया जाता है, प्रवचन सत्संग और कुछ नहीं है। सत्संग एक साबुन है जिस साबुन से आपका मन रूपी मैल धोया जाता है। मन जब निर्मल हो जाता है तो मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का पीछे पीछे हरि मिले, कहत कबीर कबीर। जब मन से वासना भागती है, वासना गिरती है तो निर्मल हो जाता है। लेकिन हम लोग वासना इकट्ठा कर लेते हैं, हम लोग स्वपाकी बन जाते हैं। बहुत बाबा हैं स्वपाकी, कहते हैं स्वपाकी, लेकिन हम कृष्ण यह गीता में वर्णन किए हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं स्वपाक। भोजन पर हम लोग को नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन भोजन क्या यही दाल भात पूड़ी कचौड़ी या केला फलाहार कर लेते हैं ये भोजन है? उसमें मैं विवेचन किया हूं, उसे ज्यादा गंभीर भोजन है जो कान से श्रवण से ले रहा है, आंख से ले रहा है, नाक से ले रहा है। तुम केवल जीभ से लेने वाले को भोजन स्वपाकी कह लिया है। तुम रास्ते में चलते हो, विभिन्न प्रकार की बात सुनते हो और सुन करके तुम्हारा मन डवाडोल हो जाता है, ये भी तो भोजन है। आंख से चलते हो, विभिन्न प्रकार के दृश्य देखते चलते हो और उस दृश्य को लेकर के तुम्हारा मन डवाडोल हो जाता है, यह इस भोजन को भी नियंत्रण करना होगा। वह भोजन तो उतना खतरनाक नहीं है जिना पांच ज्ञान इंद्रियों से हम जो भोजन लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं पांचों आप में मानी को कहो का हटा न माने। जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं वही यह भी कह रहे हैं कि पांचों आप में मानी, कोई हटा तुम्हारी बात नहीं मान रही है, अपनी अपने अनुसार सुस्वाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं और इस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मैं दीक्षा देता हूं तो सबसे पहले यही कहते हैं तुम अपने आंख पर कैसे नियंत्रण करोगे, कान पर कैसे नियंत्रण करोगे, नाक पर कैसे नियंत्रण करोगे। इन तीनों पर कर लेगा तब जो है जीभ पर नियंत्रण होने लगेगा, जीभ पर नियंत्रण हो जाएगा तो त्वचा पर होने लगेगा। जब तक से यह नियंत्रण नहीं हुआ, भोजन तो एक मामूली स्थूल है, बकरा तो बिल्कुल घास खाता है, दढ़िया बढ़ाए जो गई बन गए बकरा कहे है ना कहा है गीता बांच के जो गई हो गए लबरा। कितना यह जो है सतही भाषा में बात करते हैं, बकरा क्यों कहे? बकरा ही एक सृष्टि में ऐसा जीव है जो कि 6 महीना होते होते अपनी माँ और बहन को भी नहीं पहचानता है, वह किसी से भी संबंध बना लेता है, इसलिए उन्होंने चुना है बकरा बन गया। देखता है बकरा का भी दाढ़ी हमारे ऐसा होता है सफेद सफेद, देखा है कि नहीं? नहीं देखा हुआ देखना, हमारे ऐसा सफेद दाढ़ी सबको भी होता है।
और गीता याद करके लबरा बन गए। तो देखो यह जो है सतही बात कह रहे हैं, इसका मतलब यह मत कि तुम लोग किसी पर टंट करो, यह अपने पर अवलोकन करने की बात हो रही है। आत्मज्ञानी आदमी अपने पर अवलोकन करता है, और जो है तथाकथित विद्वान वह दूसरे पर प्रहार करता है। साध हुआ तो क्या हुआ, मन में बांधा तलवार, जिभ में बांधा तलवार, कोई एक तलवार हाथ में लेता है तू एक जीव को मार सकता है, लेकिन जीव का तलवार इतना है कि एक शब्द से तुम्हारे कितने लोग घायल हो जाएंगे ना। साधु तो ऐसा तलवार मारता है, ऐसा मत करो। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसीदास भी कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, कटुक वचन मत बोल रे, पात पात में साई रमत, यह जीव पर नियंत्रण है। सुने हैं दो भाई किसी नगर में रहते थे, किसी तरह से एक भाई राजा बन गया, सम्राट बन गया, एक भाई साधारण किसान रह गया। उसको याद आया कि हमारा ही सगा भाई छोटा किसान है, हमारे आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां चलती है, वह पैदल चलता है, क्यों न दशहरा चल रहा, दशहरा के शुभ अवसर पर उस भाई को एक नई गाड़ी भेंट कराएं। लेकिन हम गाड़ी नई भेंट करेंगे तो हमारी पत्नी बच्चे हमको विरोध करेंगे, सबसे यदि विरोध भाई को देने में विरोध करता है तब के पत्नी और बच्चे, उसके घर को दे आओ, देखो सुन रही है लोग, वह नहीं विरोध करेगी, लेकिन तू अपने भाई को देगा तो सबसे बड़ा विरोधी होगा। वह चुप छिप करके गया और अपने भाई को एक बहुत अच्छी गाड़ी चमचमाती भेंट करके चला आया। भाई उसका बड़ा खुश हुआ, संजोग से एक साधारण लड़का था, गरीब लड़का था, उस गाड़ी को देख करके आकृष्ट हो गया, उस गाड़ी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा। वह आदमी समझा कि यह लड़का जो है हमारी गाड़ी देख करके आकृष्ट हो गया, जाकर कहा अरे बेचा क्यों गाड़ी देख रहा है, कहा कि देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से आपको मिल गया, कहा कि हमारा भाई दे गया बड़ा, आपका कुछ नहीं लगा न रुपया न सर, कहा कि नहीं कुछ नहीं लगा, कहा को काश कौन सा वह दिन हुआ कि मैं भी यह कर पाऊंगा। यह सुन रहा था, दार्शनिक था, कहा कि अच्छा, सोचा कि हमारे गाड़ी को देखकर इसको लालच हो गया है, गाड़ी पर चढ़ना चाहता है, नहीं नहीं गाड़ी है क्यों नहीं इसको चढ़ कर घुमा दूँ, नहीं तो इसका आह लग जाएगा, कहा गाड़ी पर चढ़ना चाहता है तो हाँ आओ बैठ, आगे बैठा कर गाड़ी घुमाने लगा। जब कुछ देर घुमाया तो कहा चलना था, कहा कि हमारे घर पर आप ले चलिएगा। वह व्यक्ति दार्शनिक सोचा किसान कि शायद अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहता है कितना मैं कीमती गाड़ी पर आया हूँ, बड़ा आदमी हो गया, लेकर गया। वह सोच रहा था देखते हैं किसको दिखाता है। वह लड़का दौड़ते हुए घर में गया, सीढ़ियों से उतरकर घर में गया, छोटी सी घर में एक लड़के को उठाकर किसी तरह से लाया और सीढ़ी पर रख दिया। वह देखकर दंग हो गया कि यह लड़का जो छोटा सा 6-7 साल का अपंग है, पैर से चल नहीं सकता है। कहता है देखो भाई गाड़ी देख रहा है, परमात्मा कौन सा वह दिन सुलभ कराएगा कि मैं भी तुमको ऐसी चमचमाती गाड़ी देता जिस पर चढ़ करके शहर देख लेता ना, बनारस शहर तुम नहीं देखा है ना, कैसे चमचमाता शहर है, कैसे यहाँ पर काशी विश्वनाथ हैं या कैसे लोग रहते हैं नहीं देखा है। उस आदमी ने कहा कि यह भी मेरा सोच गलत हुआ, यह पड़ोसी को नहीं दिखाने के लिए है, अपने भाई छोटे भाई को। वह उठा अपने ड्राइविंग सीट से उसके भाई को उठाकर अपने अगले सीट पर बैठा दिया और कहा कि तुम बैठो चलो तुमको शहर घुमा लाते हैं। जब बड़े भाई का आंख में चमक आ गई, छोटे वाले के भी हाथ में चमक आ गई, आखिर क्या ऐसा भी सुलभ है कि मैं
इतनी सुंदर गाड़ी, बड़े गाड़ी, नए गाड़ी पर मैं शहर देख सकूंगा? दस शहर घुमाया, दोनों के आंख में चमक आ गई, कुछ मिठाई भी किना और कहा कि यह लो, इसके उपलक्ष में, आज नवरात्र के उपलक्ष में। वह देखकर चला गया घर पर। वह अपने मन में सोचा, इस लड़के की मन की इच्छा हमने कुछ पूरा किया। जब वह चलने लगा तो लड़का कहा, आज मुझे बाल मालूम हुआ कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। वह व्यक्ति आकर के किसान जो था, दार्शनिक था, लेकिन अपने डायरी में लिखा, देने वाला बड़ा होता है। क्या भगवान होता अच्छा कि हम भी कुछ मिलता, करते काम पुरुषार्थ और देते, जैसे हमारा बड़ा भाई ने हमको दिया। वह लड़का लेने का, देने का संकल्प कर रहा है, लेने का नहीं, देने का संकल्प कर रहा है। क्या अच्छा होता कि हम भी देते। देने वाले को ही देवता कहा गया है। कल मैं कहा था, लेने वाले को ही देवता कहा गया है। देवता माने राक्षस। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, ग्राम लोधीपुर निवादा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। सदगुरु धाम दिल्ली में सदगुरुदेव स्वामी कृष्णायन जी के महाराज के सानिध्य में मैंने स्वर साधना ली, जिसमें मैं अपना अनुभव आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। जब मैं नसाग्र का ध्यान में बैठी तो सबसे पहले मैंने सफ़ेद प्रकाश देखा और सफ़ेद प्रकाश से सीधे तीन रेखाएं बनी। तीन रेखा में आजू बाजू में सुनहरे कलर की दो रेखाएं थी और बीच में सफ़ेद रेखा थी, और साथ ही सात चक्र जो होते हैं, तो सभी चक्रों की जब गुरुदेव ने यात्रा दिखाई तो प्रकाश रूप में ले गए गुरुदेव, तो प्रकाश रूप में सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट प्रकाश था। और एक दिन तो समाधि की दिशा में ले गए गुरु। तो जब मैं शुरू में गुरु जी के सानिध्य में आई तो मेरे पे काफ़ी अहंकार और दुख व्याप्त था, संसार के प्रति अति घृणा थी, लग रहा था कि मतलब दुनिया में किसी लोगों को देखूं ही ना। गुरु जी की कृपा हुई, साधना दिए और छः दिन की साधना के बाद गुरु जी ने मुझे मतलब पूरा ही इस तरह से बना दिया कि उस तत्व को दिखा के मैं इस तरह से वो हो गई कि समझ गई हूँ कि मैं कौन हूँ। स्वामी श्री की अनमोल कृतियाँ, कुंडलिनी जागरण, शिव नेत्र, लोक परलोक, रहस्यमय लोक, मेरे राम, स्वर से समाधि, शिव तंत्र, एक ओंकार, हनुमान चालीसा भाष्य, ज्ञान गुदरी भाष्य, गीता ज्ञान मंदाकिनी, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। सदगुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सतगुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 09868888680।